युवा सांसद श्री सतीश गौतम जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे, उन्होंने दो साल में क्या किया और आने वाली भावी योजनाएं उनके साथ में क्या क्या है। सतीश जी, उस पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये दो साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी कैसे गुजरे? बहुत अच्छा है। मोदी जी का वो 18 घंटे काम करते हैं और ये सबको जनता को दिखाई भी दे रहा है कि दो साल के अंदर, पहली बात तो बताऊंगा कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस में हर महीने भ्रष्टाचार होता था, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नंबर वन। नंबर टू, केंद्र के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बहुत योजना चलाई देश के प्रधानमंत्री जी ने। और इन योजनाओं से गरीबों को फायदा हुआ। जो अंतिम व्यक्ति, जो लास्ट में गरीब रहने वाला, जो झोंपड़ी में रहता था, उसका पहली बार बैंक के अंदर अकाउंट खुला। इससे पहले उस गरीब ने बैंक ही नहीं देखी थी, लोग बैंक में नहीं घुसने देते थे। उन माँ और बहनों को गैस मिली फ्री में, जो चूल्हे पर रोटी बना बना के अपनी आँखें गंवा देती थी, अंधी हो जाती थी, उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने गैस दी। शौचालय दिया घर घर, जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी, हर घर में शौच होगा, खुले में शौच करने के लिए मेरी बहन नहीं जाएंगी, माताएं नहीं जाएंगी, वो प्रधानमंत्री ने करके दिखाया और देश देख रहा है। विश्व में पहली बार योग दिवस मनाया गया, ये पहली बार है कि भारत का नेतृत्व हुआ कि भारत का कहने पर विश्व में, पूरे विश्व ने योग दिवस मनाया हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और किसानों के लिए फसल बीमा योजना, भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इतनी अच्छी योजना है कि काज करिए, एक ही गांव में, एक हिस्से में बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं और खेत नष्ट हो जाता है, तो उस किसान को बेनिफिट मिलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने दो साल के अंदर बेमिसाल दो साल रही, जो 60 साल का शासन था वो दो साल भारी है 60 साल की पर। 60 साल में क्या करा कांग्रेस ने? केवल गरीबी पैदा की, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गरीब चाहती थी, जिससे कि हमेशा उसे वोट देते रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ये चाहते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि लास्ट की पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति को, लास्ट वाले व्यक्ति को उत्थान हो, उसी उत्थान के देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम भी उसी में लगे हुए हैं। आप ये देखिए, मेरी लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ के अंदर 425 करोड़ रुपए शहर के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, जर हर गांव में रोशनी के लिए इतना पैसा दिया। मेरी आप 9-10 लगाएंगे, 10-11 लगाएंगे, 11-12 लगाएंगे, 13-14 लगाएंगे और 15-16 की देखिए, सबसे ज्यादा 17,000 गांव को विद्युतीकरण से जोड़ना। मेरे खुद लोकसभा में 425 गांव में दो साल के अंदर विद्युतीकरण कर दिया, जहां देश आजाद होने के बाद लोगों ने बल्ब जलते हुए नहीं देखा, लट्टू जलते नहीं हुए देखा, लोगों ने कहा बहुत लोसब के रूप में मनाया लोगों ने। तो ये भावना थी और इस भावना से ही काम हुआ। और लोग पता है, लोगों को पता है कि 2022 तक जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनके साथ जो भी उनकी टीम है, सांसद हो, मंत्रीगण हो, सब रात दिन काम कर रहे हैं और केंद्र की योजनाएं आगे तक पहुंचा रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश में कठिनाई आ रही है, क्योंकि समाजवादी की सरकार है, जो केंद्र से पैसा दिया होता है उसको उपयोग में नहीं लेती। केंद्र बिजली देने को तैयार है, उत्तर प्रदेश बिजली लेने को राजी नहीं है, तो वो समस्या है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम विजयी होंगे, फिर ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आसाम हो, झारखंड हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां लोग सुखी रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी गुंडों की सरकार है, वहां उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंधकाल पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट, इस टाइम लूट में लगे हैं। उस प्रदेश, जिस प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री हों तो कैसे डिसीजन होगा, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। उस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, कैराना जैसी, अलीगढ़ जैसी, बहुत जैसी घटनाएं हो रही हैं। एक समुदाय की राजनीति करते हैं समाजवादी, और हमारे हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। मैं सिर्फ ये आदर्श ग्राम योजना में आपने कितने गांव
और कौन सा गांव आपने चुने थे दो सालों में? देखिए, हमने उसमें 138 शौचालय दे दिए अपने आदर्श गांव। मेरा अतरौली विधानसभा, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अतरौली विधानसभा है, उसमें बहरावत गांव है, वो मैंने गोद लिया। गोद लेने के बाद वहाँ सोलर लाइट दी, रात को मेरी माता बहनों को रोशनी मिल सके और एक पढ़ाई कर सके। दूसरा, वहाँ के लिए शौचालय 138 शौचालय दिए, बनवाए। बाद बाकी प्रदेश के हाथ में होता है, प्रदेश का कोई भी काम करने को राजी नहीं है, उसको हम पूरा झेल रहे हैं। हमने कहा कम से कम तालाब को सुंदरीकरण कर दिया जाए, लेकिन अखिलेश जी का एक लक्ष्य है कि कोई भी सांसद में, उत्तर प्रदेश में सांसद ने कोई भी गांव लिया है, उस गांव में काम नहीं होना चाहिए। अगर उस गांव में काम हो गया तो लगेगा कि एमपी काम कर रहे हैं। अरे कब तक रोकेंगे आप? ये दुनिया को दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ जो सदस्य हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विकास पर्व हमने दो साल का मनाया, गांव-गांव तक गए, लोगों को पता लगा कि विकास हो रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक साल के अंदर प्रधानों के खाते में 80 लाख रुपए जाएंगे, पहली बार, बिना भ्रष्टाचार के, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये पहली बार हो रहा है, ये इतिहास रचे जा रहे हैं पहली बार। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी को और अन्य दल को, बसपा को, ये रास नहीं आ रहा है। क्यों? कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, किसी रानी के घर से पैदा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। पहली बार गरीब का बेटा देश का नेतृत्व कर रहा है और उसे गरीबी की पता है कि गरीबी होती क्या है। आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आने वाला समय चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा। हमारा लक्ष्य 265 प्लस है, आपको 265 प्लस दिखाई देगा, क्योंकि अब किसान, मजदूर, युवा, बुजुर्ग सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है। सब लोग थोपली बातें करते हैं और देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठोस बात करती है, जो कहती है वह कर दिखाती है। दो साल के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हर बहन को कोई चूल्हे पर रोटी नहीं बनाएगी, कोई आंखों में धुआं नहीं लेगी, चूल्हे पर रोटी बनाकर वो आंखें गंवा देती थी, उसको फ्री में गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप फ्री दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, पहली बार ये काम हो रहा है। आपको दिखाई दे, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें जागरूकता पैदा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक गांव में गया, जिस बेचारी ने बैंक ही नहीं देखा, उसने कहा बैंक, पहली बार चौंक गई वो बैंक में घुसने से। वहाँ टाई लगा के लोग बैठते हैं और एक गरीब माँ अपने पुत्र को लेकर अकाउंट खुलवाने गई, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। देश आजाद होने के बाद 70 साल होने जा रहे, आज तक वो बैंक में नहीं घुसी। कांग्रेस ने गरीबी को गरीबी में दाखा करा, क्योंकि इसलिए गरीब बने रहें और कांग्रेस को चुनते रहें। अब ऐसा नहीं होगा, विकास का कार्य होगा, सबका साथ होगा और भाजपा की सरकार होगी, ये लक्ष्य हमारा। धन्यवाद सर। मैं कुछ, आपके बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी कुछ पूछ लेता हूँ, इसी बहाने और अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल राजा जी। आप अलीगढ़ से ही, क्षेत्र से ही हैं? जी, अलीगढ़ से। अब आप अपने लोकप्रिय नेता के बारे में कुछ बताइए। अलीगढ़ के हमारे सांसद जी इतने लोकप्रिय हैं कि अभी 2 मिनट पहले ही जब आप नहीं थे यहाँ तो यही बात हो रही थी कि आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो आपके द्वारा कार्यकर्ताओं को और वहाँ के जनमानस को थोड़ा पीछे सहयोग मिल रहा है, उससे हम शायद जीवन में कभी भूल नहीं सकते। अभी यही बात चल रही थी, माननीय सतीश जी द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उससे हम लोग सब खुश हैं। शायद हमने उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा सांसद हमें मिला है। मैंने एक बार आप हमें ये बताइए कि जो अभी सांसद साहब ने बताया प्रधानमंत्री जी की स्कीम, जन धन योजना से जुड़ी हुई स्कीम में, आप लोगों ने कितने लोगों को कहा कि ये होना चाहिए? देखिए, मैं अपने बताता हूँ, अभी हमारा जो क्षेत्र है अलीगढ़, उसी में जन धन योजना जो चल रही है, इसमें अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने मना कर दिया था, अरे जन धन योजना के अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो बस सांसद जी को मैंने फ़ोन किया था, सांसद जी ने कहा कि भाई कौन नहीं खुलेंगे, प्राइवेट बैंक खुलेंगे और जाकर उनसे कहो, और नहीं तो बिल्कुल तुम मुझे बताना। फिर हमने उस बैंक में जाकर कहा कि मैंने कि सांसद जी कह रहे हैं वो तो खुलेंगे, और नहीं तो मैं बात करा रहा हूँ आपकी मैनेजर से। बोले कि ठीक है खुलवाओ। तो उसने बैंक में फिर शुरू किया, प्राइवेट बैंक ने भी शुरू किया। ऐसी कई स्कीमें, अभी एक प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू की थी, उस मुद्रा योजना में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, बैंक के लोगों ने टारगेट पूरा हो गया अब क्या करेंगे, और ये
तो उससे भी हमने कहा लिखित में दीजिए, टारगेट पूरा हो गया। आप किसी का लोन नहीं कर रहे, 2,50,000 का ये लोन। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो लोन शुरू किया था वो भी सांसद जी ने उससे बात करके मैनेजर की बात कराई गई और वो लोन उनको किया गया, मुद्रा लोन प्रधानमंत्री। आपको कैसा लगता है कि आने वाला फ्यूचर इस देश का कैसा है? माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, उससे तो यही लगता है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। धन्यवाद भाई साहब। आप पीछे लो, पीछे ले लो, पीछे इधर, पीछे कोने पे ले लो, इधर वो भाई साहब बैठे। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? तुषार कौशल। तुषार जी, तुषार जी आपने लोकप्रिय नेता के बारे में कुछ बताइए और जो उनकी स्कीम्स चल रही हैं, जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो वहाँ पे 2 सालों में इन्होंने माननीय सांसद साहब ने काम किए हैं, उससे जनता कितनी खुश है या नाराज़ है या और बहुत कुछ बाकी है, वे खुल के बताएंगे ताकि उनको भी मालूम पड़े, जनता ये चाहती है। हमारे सांसद जी का ये स्थिति है कि अगर किसी के कहीं कांटा भी होता है, कैमरे की तरफ देखिए, अगर कहीं कोई कांटा भी होता है तो उसकी चुभन पहले हमारे सांसद जी को महसूस होती है और जन कल्याण के कार्यों में हमारे सांसद जी यूं समझ लीजिए कि मतलब भगवान कृष्ण की तरह काम करते हैं, ना रात ना दिन, ना भूख ना प्यास, और इतने इजीली अवेलेबल, ये हमें ऐसे अवेलेबल रहते हैं जैसे हम अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाएं और अपने पापा से बात कर लें, अपने बड़े भाई से बात कर लें, अपनी बहन से बात कर लें, बिल्कुल इस तरीके से हम जब भी जाते हैं इनके पास, जहां पहुंचते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, उस स्थिति में हमारे कामों के लिए ये बिल्कुल भागे भागे आते हैं, सारी जनता के कामों को ये बिल्कुल अपने देवी जो समझते हैं, मुझे भगवान का दिया हुआ कार्य है, उसको उसी तरीके से पूरा करते हैं। जैसे कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने निकाली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसमें आप लोग भी अपने सांसद जी को सहयोग देते हैं? बिल्कुल। कैसे? अभी मेरे भाई अतुल राजा जी ने बताया कि कहीं कोई स्कीम चल रही है और किसी विभाग ने ये कहा कि नहीं साहब ये स्कीम पूरी हो गई या ये स्कीम बंद हो गई, टारगेट पूरे हो गए या हमारे पास फंड नहीं है या हमारे पास कोई और समस्या है, तो हम पहले विभाग में बात करते हैं। विभाग में बात करने के बाद में जब हम भाई कहते हैं कि हम अपने सांसद महोदय से बात करेंगे, रक्षाबंधन दुर्घटना बीमा हमारे, हमें इस बात की नौबत नहीं आती, पैसा सांसद द्वारा कहना पड़े कि भाई साहब वो ये काम नहीं कर रहे हैं, वो ये सिर्फ सुनते कह रहे, ये तो सीधे सांसद जी से जुड़े हुए हैं, सीधे वो काम एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। और मैं ही नहीं, क्षेत्र की जनता भी अगर जाके ये कह दे कि ला नहीं है काम हो रहा, ला मुझे दे, मैं भी जा रही हूँ सतीश भाई साहब के पास, मैं जा रही हूँ सतीश भैया के पास, मैं जा रहा हूँ सतीश भाई। आज से पहले अलीगढ़ का नाम बड़ा गुमनाम था एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, आज का आज वहाँ का क्या हाल है माननीय सांसद जी के आने के बाद? सांप्रदायिक माहौल पहले से बहुत बेटर हुआ है, बहुत बेटर। अभी तक तो मैं बता दूँ आपको, अभी तक जो है सांप्रदायिकता का जो माहौल है, अभी तक जो वहाँ का एक समाज था, एक समुदाय था, वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था, सामने वाला कोई थप्पड़ मार जाता था तो उसका विरोध करने लायक स्थिति नहीं थी। लेकिन आज जब हमें लग रहा है कि देश के अंदर एक अच्छी सरकार आ गई है, हमारी बात सुनने वाली सरकार आ गई है, एक सांसद है जो हमारी बात को बड़े मंच तक ले जा सकता है, संसद तक ले जा सकता है, तो हमें भी अपनी बात प्रशासन के सामने रखने की हिम्मत और हौसला मिला है। ऐसे सांसद जी हमारे अलीगढ़ के हैं और अभी 11,000 बहनों को रक्षाबंधन पर भाई सतीश जी ने सुकन्या धन योजना से उनके सबकी बीमा कराए और 11,000 पहली बार लक्ष्य बनाए 11,000 लड़कियों को बहनों को ये मिला है। और कोई कुछ बताना चाहेगा सांसद जी के बारे में, सांसद क्षेत्र के बारे में? आपका सुनना। मैं अनिल कुमार गुप्ता। सांसद जी हमारे इतने लोकप्रिय हैं, जैसे मोदी जी की स्वच्छता अभियान का एक ये कार्यक्रम चला है, उस कार्यक्रम से लोग इतने प्रेरित हुए हैं कि हमारे यहाँ अलीगढ़ में अगर रेलवे स्टेशन आएंगे तो बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया है सांसद